हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल पायल क्रिएशन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज है आपका ज्वेलरी का डे 3, जहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा झुमका से आप कैसे एक ब्राइडल झुमका बना सकते हो, वो मैं आज सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप बहुत सारा आइडिया ले सकते हो यहाँ से, जहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक भी आपको दूंगी एंड में, जहाँ पे आप कैसे बना सकते हो, कैसे ब्राइडल को, कैसे आप सिंपल लुक को ब्राइडल लुक दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ बीड्स लिया है रेड कलर में, और प्लस यहाँ पे मैंने लॉरियल घुंघरू लिया है। इसके बाद इसे हम हेड पिन कहते हैं। फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके पहले डे 1 वाला क्लास जाके देखिए, उसके बाद आप एक क्लास देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने जितने भी है सभी का इंट्रोडक्शन दिया है कि इसको क्या कहते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ, अभी जो मैंने फर्स्ट में दिखाया उसे हेड पिन कहते हैं, उसे हम लोग जंप रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हेड पिन लिया है। हेड पिन लेने के बाद यहाँ पे एक मैंने बीड्स डाला है रेड कलर का इसके अंदर। तो हेड पिन के अंदर डाला, आप देख सकते हो नीचे से वो निकलता नहीं है, क्योंकि हेड पिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीचे साइड से वो फ्लैट होता है। तो यहाँ पे उसको हम कट कर देंगे 1 इंचेस छोड़ के। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कीजिएगा 1 इंच से, क्योंकि आपको फोल्डिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसे लूप कैसे बनाया जाता है इसके लिए थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही छोड़िएगा, ताकि अगर ख़राब हो तो उसे फिर से कट करके आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 इंचेस छोड़ के यहाँ पे एक लूप बनाया है, कितना खूबसूरत लूप आया है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। आप सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ पे ज्वेलरी आप यहाँ पे ऑर्डर कीजिए। मैं यहाँ पे नंबर दे दे रही हूँ, इंस्टा का आईडी दे दे रही हूँ, यहाँ से आप ऑर्डर करके आप घर पे खुद सीखिए और खुद बनाइए। तो यहाँ पे मैंने पर्ल्स चैन लिया है, पर्ल्स चैन को भी मैंने 4 पर्ल्स चैन कट किया है। उसके बाद मैंने जो लूप बनाया था उस लूप को थोड़ा सा खोलने के बाद उसके अंदर डाल के इसे हम अच्छे से क्लोज करेंगे, क्योंकि वो जो हम लोग का लॉरियल का जो चैन होता है उसका जो वायर होता है बहुत ही पतला होता है, बहुत थिन होता है, तो वो निकल जाता है वहाँ से। तो इसलिए इसे थोड़ा अच्छे से क्लोज कीजिएगा, ताकि वहाँ से आपका लॉरियल निकल के ना जाए। तो मैंने यहाँ पर एक आप देख सकते हो मैंने बनाया है। उसके बाद मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉरियल कट करके रखी हूँ बहुत सारा, क्योंकि मेरे जो झुमका है उसमें 15 होल है। आपका जो झुमका जितना होगा उतना होल का ही आप कट कीजिएगा। तो यहाँ पे इसके बाद एक और मैं दिखा देती हूँ कि कैसे यहाँ पे लूप बनाएंगे हम। तो एक और बीड्स मैंने लिया है हेड पिन के अंदर डालकर। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से प्लायर के मदद से एक बार बैक साइड पे आप नीचे में थोड़ा टाइटली पकड़िएगा, उसके बाद बैक साइड पे करेंगे, फिर फ्रंट के सामने हम मोड़ देंगे। तो देख सकते हो कितना इजी है, आप भी करोगे तो बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा वहाँ पे जो क्लोज पूरा बंद नहीं किया था छोड़ दिया था, उसके बाद उसके अंदर में भी एक हम चैन डाल के उसे हम अच्छे से क्लोज कर देंगे, ताकि चैन बाहर ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 बना दिया है। बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही अच्छा लुक आता है इस इयररिंग्स का। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक और सोचा कि आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप अगर फ्रेशर होंगे, बिगनर होंगे, तो आपको थोड़ा टफ ना लगे। तो इसलिए आप ये भी देख सकते हो कि इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे जो मैंने फर्स्ट वाला सेकंड वाला किया, वैसे थर्ड वाला को भी हम करेंगे, और एक चैन को इसके अंदर डाल के इसको हम बंद कर देंगे। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हर दिन एक वीडियो लेकर आती हूँ, उसे आप मिस ना करो, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और क्लास कभी भी मिस ना करो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 15 मैंने ऐड करके रख लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जंप रिंग लिया है, जंप रिंग को हल्के हाथों से इसे खोलेंगे हम। तो ये जंप रिंग को मैंने खोल दिया। जंप रिंग को खोलने के बाद यहाँ पे मैंने लॉरियल बीड्स लिया है। इस लॉरियल बीड्स को हम इस झुमका के जंप रिंग के अंदर डालेंगे। एक एक करके आप यहाँ पे 3 डालिएगा, फर्स्ट में 2 डालिएगा, उसके बाद आप जो चैन बनाए हो उसे डालिएगा, उसके बाद उसे आप क्लोज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लॉरियल घुंघरू मैंने डाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो चैन बनाई थी वो चैन डाल रही हूँ जंप रिंग के अंदर। उसके बाद एक और डालेंगे हम, उसके बाद इसे हम क्लोज करेंगे। तो इसके अंदर डाल देंगे झुमका का जो होल है मेरा, यहाँ पे टोटल 15 है, इसलिए मैंने टोटल 15 बनाया है। तो आप जितना बड़ा झुमका लेना चाहो उतना बड़ा झुमका ले सकते हो, कोई भी कलर का बीड्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको लाके इसे हम क्लोज कर देंगे।
अच्छे से क्लोज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपने लॉरियल चैन यूज़ किया है। लॉरियल चैन और लॉरियल बीट्स दोनों का ही जो वायर होता है बहुत ही थिन होता है, बहुत पतला होता है, तो इसलिए यहाँ पे केयरफुली थोड़ा यूज़ कीजिएगा। तो मैं आपको एक मैं दिखा दी कि कैसे बनाई हूँ, एक और चलिए मैं दिखा देती हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो फिर से यहाँ पे मैंने एक जंप रिंग लिया है, उसके बाद जंप रिंग में हम लॉरियल बीट्स डाल रहे हैं। तो ऐसे ही आपको लॉरियल बीट्स डाल के आपको बनाना है। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप मुझे। तो सेम ऐसे ही है, इसको भी इसके अंदर डाल के हम इसे हम क्लोज कर देंगे। बहुत ही इजी है, अगर आप बनाओगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, उतना भी टफ नहीं है जितना आपको लगेगा कि दिखने में जितना टफ लग रहा है उतना टफ होता नहीं है। जब तक आप खुद करोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। और सिर्फ ज्वेलरी बनाना ही नहीं है, आपको ज्वेलरी सेल भी करना सीखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड दो तीन क्लासेस के बाद मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप ज्वेलरी सेल कर सकते हो, कैसे हम अप्रोच करते हैं, कैसे हम किसी को ज्वेलरी के लिए बोलते हैं। यहाँ पे सब ट्रिक एंड आपको सिखाऊंगी मैं कि कैसे आप वहाँ पे बता सकते हो उनको, कैसे सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा झुमका का जो है 3-4 मैंने आपको दिखा दिया है, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो लास्ट एक और मैं दिखा देती हूं कि कैसे बनाते हैं। अगर आपको ज्वेलरी का कोई भी मटेरियल्स चाहिए तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे, व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ से ज्वेलरी मटेरियल्स आप मंगवा सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा, क्योंकि अभी जस्ट एक जन ने मुझे ऑर्डर किया है तो उनको भी बहुत ही अच्छे प्राइस में उनको ज्वेलरी मिला है। तो जो ज्वेलरी का मटेरियल्स का जो है, मैं आपको जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने फ्लावर ज्वेलरी का पूरा ऑर्डर किया है सेट, क्योंकि मैं बहुत जल्द फ्लावर ज्वेलरी का भी अलग अलग तरीके का ज्वेलरी लेकर आने वाली हूँ, तो इसलिए उन्होंने फ्लावर ज्वेलरी ऑर्डर किया है। तो आप देखिए, आपको दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर ज्वेलरी का मटेरियल्स कि कैसा है नहीं है, उन्होंने कैसा ऑर्डर किया है। तो ये हमारा झुमका का जो नीचे का बेस है वो पूरा ही कंप्लीट हो गया है। अब टर्न है हम लोग का जो ऊपर का, जो कैसे टॉप लगाएंगे। तो यहाँ पे टॉप में भी अब मैंने थोड़ा सा लॉरियल्स का बीट्स दिया है। लॉरियल्स बीट्स देने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने कितना नीटली इसे क्लोज कर दिया है। तो ये हमारा एक इयररिंग्स बनके कंप्लीट हो गया है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सिर्फ इयररिंग्स मैंने अभी बनाया है, इसका बैक साइड का जो लटकन होता है मैं वो भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ब्राइडल, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल सा झुमका से आप ब्राइडल झुमका बनाने जा रहे हो, तो यहाँ पे इसके बैक साइड में भी हम बनाएंगे जो लटकन जो बालों में लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जंप रिंग लिया है, जंप रिंग के मदद से दोनों पार्ट को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर आप चाहो तो 3 पार्ट का भी बना सकते हो, 4 पार्ट का भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट का ही बना रही हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चॉइस कर सकते हो कि आपको कितना हैवी चाहिए। आप किसी भी शादी में, फंक्शन में, पार्टी में इसे पहनोगे, बहुत ही खूबसूरत लुक देने वाला है। साड़ी के ऊपर पहनोगे, सूट के ऊपर पहनोगे, बहुत ही अच्छा लुक देगा। और एक इयररिंग्स अगर आप दुकान से लेने जाओगे तो एक इयररिंग्स का प्राइस पड़ जाता है 300-350, बट यहाँ पे आप खुद बनाओगे तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पड़ेगा और मटेरियल्स का ज़्यादा दाम भी नहीं होता है। आप कम प्राइस में अच्छा सा इयररिंग्स तैयार कर सकते हो। और हैंडमेड ज्वेलरी का बात ही अलग होता है, कितना भी हो खुद से अगर बनाते हो हैंडमेड ज्वेलरी, जितने भी होते हैं जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस होता है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्राइस उसका नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जान सकते हो कि मटेरियल्स खरीद के लाना प्लस आइडियाज़ क्रिएट करना कि किस टाइप्स का मुझे इयररिंग्स बनाना है, इसमें इतना एफर्ट दिया जाता है, उसके बाद एक नेकलेस हो या एक इयररिंग्स रेडी होता है, इसलिए हैंडमेड ज्वेलरी का प्राइजेस थोड़ा हाई होता है। तो यहाँ पे मैंने आई पिन लिया है, आई पिन में लॉरियल बीट्स को 3 लॉरियल बीट्स यूज़ किया है, उसके बाद इसे हम क्लोज कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर भी आपको केयरफुली क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको लॉरियल्स का जो बीट्स दिए हो उसका वायर बहुत पतला है, तो क्लोज करने के टाइम पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ही नीटली क्लोज करना है। इसके बाद जो है 1 इंचेस छोड़ के एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट कर दिया, इसके बाद बैक साइड फोल्ड, देन आपको फ्रंट में फोल्ड, जैसे मैंने आपको day 1 से बताते आ रही हूँ कि कैसे आपको फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं
थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के मैं यहाँ पे टोटल 3 लटकन लटकाऊंगी, तो थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लगा दिया है साइड से थोड़ा जगह छोड़कर, उसके बाद एक हम बीच में लगाएंगे, उसके बाद एक हम साइड में लगाएंगे। तो सेम प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेम मैं आई पिन ली हूँ, आई पिन में 3 घुंघरू डालेंगे, उसके बाद इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर एक बीड्स लेंगे हम, और इसका भी एक नेकलेस का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। मैंने सोचा कि जब ब्राइडल इयररिंग्स मैंने बनाया ही है, तो इसके साथ साथ मैं बिंदिया और नेकलेस का वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ, जिसका क्लास कौन सा होगा मैं बता नहीं पाऊंगी, बट कोई ना कोई क्लासेस में जरूर आएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप कभी भी वीडियो को मिस ना करो। बेल आइकन, जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप बेल आइकन को दबा देते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मैंने ऑलरेडी लटका दिया लटकन, थर्ड वाला का टर्न है, तो थर्ड वाला भी सेम हम प्रोसेस करेंगे जो मैंने फर्स्ट सेकंड किया, थर्ड का भी सेम प्रोसेस होगा। आप अगर फ्लावर ज्वेलरी बनाना चाहते हो, या ऑक्सीडाइज का ज्वेलरी बनाना चाहते हो, या फिर किसी भी टाइप्स का अगर आप ज्वेलरी बनाना चाहते हो, सभी का मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप मुझे कभी भी ऑर्डर कर सकते हो और आपका सामान बहुत ही कम टाइमिंग में आपके पास पहुँच जाएगा। बहुत ही प्राइस कम होगा, टाइम कम लगेगा और आपके पास बहुत ही जल्दी पहुँचेगा, और क्वालिटी का गारंटी मैं दूंगी, क्योंकि क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा। जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो, कोई भी मटेरियल्स अगर आप लोगे, तो उसका जो क्वालिटी होगा बेस्ट ही क्वालिटी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी एक बना के मैं पहले से रखी थी, उसके बाद जो मैंने अभी रखा हाथ से उसको हम पुश कहते हैं, जो इयररिंग्स के बैक साइड में हम लगाते हैं जब इयररिंग्स पहनने के टाइम पे, ताकि इयररिंग्स मेरा खुले ना। तो इसे आप देख सकते हो, इसे हम पुश कहते हैं। ये हमारा दोनों इयररिंग्स बनके कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो एक सिंपल सा झुमका से मैंने इस इयररिंग्स को कितना ब्राइडल लुक दिया है। इसका गले का सेट भी बहुत जल्द लेकर आऊंगी। मैंने गले का सेट नहीं सोचा था, बट मैंने जब झुमका बनाया बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक और गले का चोकर भी आना चाहिए जो थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो इसे मैं पहन के दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे रेड टॉप पहनी हूँ, रेड टॉप के ऊपर उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इसे साड़ी के ऊपर पहनते हो, या ब्लू साड़ी हो, या कोई भी डीप कलर का साड़ी पे अगर आप पहनते हो, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है रेड कलर सभी कलर पे जाते हैं, और प्लस गोल्डन कॉम्बिनेशन है, तो और भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, टेक।